नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। चार महीने में ही पिछले 20 साल से सत्ता में बैठे लोग हिसाब मांगने लगे। महापौर रीवा ने भाजपा पर जमकर हल्ला बोलते हुए नगर निगम के परिषद हॉल में पत्रकार वार्ता करके अपने कामों का लेखा जोखा दिया। चार महीने में ही पिछले 20 साल से सत्ता में बैठे लोग हिसाब मांगने लगे। महापौर रीवा ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए नगर निगम के परिषद हाल में पत्रकार वार्ता करके अपने चार महीने के काम का लेखा जोखा दिया। चार महीने में हमने वह कर डाला जो भाजपा के महापौर 20 साल में नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के महापौर और विधायक पिछले 20 सालों में रीवा की जनता को मीठा पानी नहीं पिला पाए। उन्होंने इसके लिए 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर डाले। हम अगले एक साल में 158 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे रीवा शहर को पानी उपलब्ध करा देंगे। हमने चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी से एकल खिड़की का संचालन प्रारंभ कराया था। भारतीय जनता पार्टी को वो अच्छा नहीं लगा, उसके बेहतर परिणाम दिखने लगे। जल्दी ही महापौर हेल्पलाइन भी शुरू हो जाएगी। 32 करोड़ से ज्यादा के काम की निविदाएं हम निकाल चुके हैं। वर्तमान विधायक रीवा की गलियों में एक बार फिर घूम रहे हैं। हमने सर्वे कराया, रीवा शहर में 9752 गड्ढे हैं। शहर में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा। इन्हें जल्दी ही लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की टीम भर देगी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान शहर को संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता जैसे करों के भारी बोझ से लाद दिया। शिक्षा उपकर में तो 100 गुना वृद्धि कर दी गई। यही नहीं, दुकानों पर लगने वाले गरीब दुकानदारों के बोर्ड पर भी नगर निगम टैक्स लेगा। ऐसा भी भाजपा विधायक और पिछले महापौर ने कर दिखाया। हम जल्दी ही MIC की बैठक में इनको खत्म करने का प्रस्ताव लाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं महापौर ने और क्या कुछ कहा। MIC की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। MIC के गठन के बाद हमारे MIC के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि ये जवाबदाही अब हमारी होगी। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा, वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है, मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा,
और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा, अशुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। एक महीने में इसकी आप लोग इस पत्रकार वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित, दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।